आईपीएल 2020 की नीलामी के बाद आईपीएल की आठों टीमों के प्लेइंग 11 कंपोजिशन और स्क्वाड लगभग कंफर्म्ड है। और इसी कड़ी में आज इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल की ऐसी तीन टीमों के नाम बताऊंगा जिनके पास इस आईपीएल के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर्स रहने वाले हैं और इसके पीछे के कारण भी बताऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए फटाफट इस लिस्ट की हम शुरुआत करते हैं नंबर तीन से। तो तीसरे स्थान पर इस पूरी सूची में हमने रखा है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के पास महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े विकेट कीपर है। मतलब अगर हम विकेट कीपिंग की स्किल की बात करें तो अभी तक पूरी दुनिया में धोनी से बड़ा विकेट कीपर पैदा हुआ ही नहीं है, और ये पिछले 10 साल धोनी के आईपीएल में प्रूव करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव करते हैं। लेकिन ये नंबर तीन पर इसलिए है कि महेंद्र सिंह धोनी तो वहां पर मौजूद रहेंगे लेकिन उनका बैकअप नहीं है। मतलब अगर धोनी चोटिल हो जाते हैं, धोनी को किसी कारण कुछ हो जाता है जिसके चलते वो नहीं खेलते हैं, तो फिर बैकअप के रूप में इनके पास प्लेयर नहीं है। फिर बैकअप के रूप में आपको केदार जाधव के पीछे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए चेन्नई के पास धोनी है, जो कि पूरा वजन डाल रहे हैं, नंबर तीन पर इन्हें पहुंचा रहे हैं। लेकिन नंबर एक तक पहुंचाने के लिए इनके पास वो बैकअप खिलाड़ियों की एक श्रृंखला नहीं है, इसीलिए भाई डेफिनेटली चेन्नई नंबर तीन पर है। अब बात कर लेते हैं भाई नंबर दो की। तो दूसरे स्थान पर विकेट कीपर्स के मामले में हमने रखा है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम विकेट कीपर के मामले में नेक्स्ट लेवल पर है, और इस साल तो ये दूसरे ही दर्जे पर पहुंच गए, क्योंकि इनके पास एलेक्स कैरी है, पृथ्वी शॉ है और ऋषभ पंत है, जिसमें पृथ्वी शॉ भी प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं क्योंकि भारतीय खिलाड़ी हैं, और ऋषभ पंत तो खेलने ही वाले हैं और वो इनके प्रॉपर विकेट कीपर रहेंगे। तो यहाँ पर ऋषभ पंत, जो इस समय टीम इंडिया की भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, स्किल के मामले में धोनी के बाद ऋषभ पंत का ही नाम आता है। तो इसीलिए भाई ये डेफिनेटली दिल्ली को नंबर दो पर पहुंचाता है, और ऋषभ पंत की बैकअप के रूप में इनके पास पृथ्वी शॉ भी मौजूद है। मतलब पंत को कुछ होता है, पंत फ्लॉप होते हैं, पंत चोटिल होते हैं, तो आपके पास पृथ्वी शॉ भी है, और एक विदेशी विकल्प के रूप में एलेक्स कैरी भी मौजूद है। इसीलिए भाई दिल्ली के पास पूरे सॉर्टेड विकेट कीपर्स है। दिल्ली एक संपूर्ण टीम दिख रही है, लगभग हर लिस्ट में अपनी जगह बना रही है, और कीपर्स की लिस्ट में भी दिल्ली नंबर दो डिजर्व करती है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब हम बात करेंगे नंबर वन की। पहले स्थान पर पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने रखा है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। राजस्थान रॉयल्स की टीम में बैलेंस की कमी है, इनके विदेशी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों पर भारी पड़ते हैं, बैलेंस नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर विकेट कीपर्स की बात करें तो यहां पर राजस्थान सारी की सारी बाजी मारती है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास संजू सैमसन है, इनके पास रॉबिन उथप्पा है और जॉस बटलर है। ये तीनों वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर्स हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि इन तीनों को एक साथ प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं। तो विकेट कीपर्स के मामले में इस साल तो राजस्थान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक ही मैच में संजू को भी दे सकते हैं, उसी मैच में आप उथप्पा को भी दे सकते हो, उसी मैच में आप बटलर को भी दस्ताने दे सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स एक बहुत ही सॉर्टेड टीम है। राजस्थान से अच्छे विकल्प, राजस्थान से वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर्स दूसरी किसी टीम के पास नहीं है, और ऑप्शन बहुत है राजस्थान के पास, इसीलिए ये नंबर वन पर है। तो ये थी भाई तीन टीमें जिनके पास आईपीएल 2020 के सबसे खतरनाक विकेट कीपर्स मौजूद हैं नीलामी की प्रक्रिया के बाद। अब ये तो थी भाई हमारी लिस्ट, हमने अपना एनालिसिस किया था। आप भी अपना आईपीएल का दिमाग कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, आप भी अपना एनालिसिस कीजिए और अपनी उन तीन टीमों के नाम बताइए जिनके पास सबसे अच्छे विकेट कीपर्स हैं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।